भागलपुर में मां काली का 36 घंटे का विसर्जन जुलूस जो पूरे बिहार में प्रसिद्ध है धूमधाम से रविवार की देर रात संपन्न हो गया। शनिवार की रात 8 बजे से इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत हुई जब पर्वतीय क्षेत्र की बुढ़िया काली माता की प्रतिमा वेदी से उठाई गई। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए जिन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ मां काली के जयकारे लगाए। वहीं युवा वर्ग ने डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए अद्भुत कर्तव्य दिखाए। दरअसल जुलूस रात 12 बजे ततारपुर चौक पहुंचा और फिर रात के 1 बजे स्टेशन चौक पर, जहां आरती के बाद जुलूस में शामिल लगभग 100 से अधिक प्रतिमाओं ने एक कतार में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं जुलूस की सुरक्षा के लिए एसएसबी, बीएमपी के अतिरिक्त जवानों, सीआईएटी कमांडो और स्थानीय पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। डीएम नवल किशोर चौधरी और एसएसपी आनंद कुमार भी खुद इस विशाल विसर्जन शोभा यात्रा आयोजन का निरीक्षण कर रहे थे। दरअसल पर्वती की मां बुढ़िया काली की विदाई के दर्शन का यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए विशेष होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था को लेकर उमड़ते हैं। देख रहे हैं कि काली पूजा के विसर्जन की तैयारी हो चुकी है और काफी संख्या में आज मूर्तियों का विसर्जन हुआ भी है, लेकिन काफ़ी संख्या में अभी मूर्तियाँ बची हुई है, जिसमें कि ततारपुर चौक से अभी 17 की संख्या में यहाँ से मूर्तियाँ गुजरेगी। फिर चारों दिशाओं से जो मूर्तियाँ श्रृंखलाबद्ध होकर के स्टेशन चौक पे आए और सभी जगहों पे, सभी गलियों में, सभी मुख्य चौक चौराहों पे एवं विभिन्न स्थलों पे, विभिन्न भवनों पे सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी हो रही है, उसके अलावा कई वीडियो कैमरे से भी निगरानी हो रही है और मुझे विश्वास है कि भागलपुर के समस्त नागरिक इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करके इसका विसर्जन कराएंगे। काली पूजा का विसर्जन अभी चल रहा है और हम सभी लोग अभी ततारपुर चौक पर उपस्थित हैं और जितनी पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम है लगातार प्रमुख स्थलों पर बनी हुई है और पूरे जुलूस की निगरानी एक दर्जन ड्रोन हम लोगों ने लगा रखा है और जुलूस में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है और जुलूस पूरी शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्थलों से पास हो रहा है और जो भी समय विभिन्न पूजा समितियों को दिया गया है उसका अनुपालन उन लोगों के द्वारा अभी तक किया जा रहा है और उसको हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे काली पूजा विसर्जन को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। मैंने बोला एक दर्जन से ज़्यादा ड्रोन को लगाया गया है विभिन्न चौक चौराहों पर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भी करीब आधा दर्जन के करीब हम लोगों ने ड्रोन लगा के रखे हुए, तो लगातार निगरानी रखी जा रही है और जुलूस पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। भागलपुर के पर्वती में काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान वर्चस्व की लड़ाई ने विवाद का रूप ले लिया, जिससे स्टेशन चौक पर शनिवार रात भगदड़ मच गई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब पर्वती काली पूजा समिति के सदस्यों को मंच से किसी ने असामाजिक तत्व कह दिया। इस पर पर्वती पूजा समिति के लोगों ने कड़ा विरोध जताया और स्थिति जल्द ही तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुरानी पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह और नई महासमिति के अध्यक्ष विश्वेश आर्या के बीच धक्का मुक्की होने लगी और पर्वती पूजा समिति के लोग मंच पर चढ़ गए। इस दौरान मंच पर तलवार लहराई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। मंच पर मौजूद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य लोग किनारे हो गए। भगदड़ में कई गाड़ियां गिर गई और कई लोग चोटिल भी हो गए। वहीं हंगामे के दौरान पुलिसकर्मी घटनास्थल पर तो मौजूद थे, लेकिन वे स्थिति संभालने में असमर्थ दिखे। बाद में पुलिस अधिकारियों की दो गाड़ियां आई और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। पर्वती पूजा समिति के लोगों ने माइक लेकर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि पर्वती की पूजा समिति ही वास्तविक महासमिति है। उनकी नाराजगी का वजह हम क्या बता सकते हैं, ये आप लोगों को प्रशासन से पूछना चाहिए कि प्रशासन से ने जो समय दिया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे रात्रि तक पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं स्टेशन चौक से आगे निकल जाएगी, क्या सारी प्रतिमाएं आगे निकल गई, ये प्रशासन से पूछिए। प्रशासन ने हो सकता है उनको स्थान से उठाने में कोई शक्ति बरती हो, उसका गुस्सा वो हम लोगों पर उतार रहे थे। कहा गया सामाजिक तत्व बोला गया पर्वती के युवाओं,
हम लोग असामाजिक तो किसी समाज को या किसी स्थान को नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज और स्थान तो हमारा महासमिति का अंग है। लेकिन इस भीड़ में अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो वो इसका मतलब नहीं है वो समाज या कोई स्थान कर रहा है। भीड़ में कौन गुंडा है इसको चिन्हित प्रशासन को करना चाहिए। आज जो हुआ है इसके लिए प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया गया था, प्रशासन को पता है ऐसा कुछ हो सकता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की, क्यों नहीं मंच की सुरक्षा की व्यवस्था की। ये बात आप जो महासमिति से पूछ रहे हैं आपका प्रशासन से पूछना चाहिए, एसपी से पूछना चाहिए जाकर के, आपको पता था। आज अगर वहाँ कोई हमारे महासमिति के दो चार लोग मर गए होते तब फिर आप लोग क्या करते, तब प्रशासन क्या करते, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए उसको मुआवजा दे करके मामला को सुलटा लेता क्या। मैं बर्जस्त अध्यक्ष केंद्रीय काली पूजा महासमिति। भागलपुर के नवगछिया में मां बमकाली का भावपूर्ण विसर्जन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। खगड़ा गांव में स्थापित मां बमकाली की प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी और सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद की कामना की। वहीं इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए जिन्होंने भक्ति भाव से जयकारों और धार्मिक गीतों के बीच मां काली को विदाई दी। विसर्जन यात्रा में मां बमकाली की प्रतिमा को भव्य झांकी के रूप में सजाया गया था जिसमें रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी। जैसे ही प्रतिमा नगर भ्रमण के लिए निकाली गई पूरा नगर भक्तिमय माहौल से भर उठा। श्रद्धालुओं ने घरों से निकलकर माता का दर्शन किया और अबीर गुलाल से स्वागत किया। स्थानीय पंडितों द्वारा पूजा अर्चना और आरती का आयोजन हुआ जिससे विसर्जन यात्रा का वातावरण और भी पवित्र हो गया। इस दौरान नवगछिया थाना क्षेत्र में पुलिस बल की कड़ी निगरानी रही। थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में 6 स्थानों पर मां काली की प्रतिमा स्थापित थी जिनका विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। भागलपुर कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। रविवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एकचारी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान अपराधी चंद्रिका मंडल को एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात एकचारी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि चंद्रिका मंडल जो कि छोटी मोहनपुर गांव का निवासी है बड़ी मोहनपुर काली पूजा मेले में हथियार लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया जिसके बाद पुलिस ने मेले की ओर से आ रहे चंद्रिका मंडल को घेर लिया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। वहीं तलाशी के दौरान उसकी कमर से एक लुंगी में छुपाया हुआ देसी कट्टा बरामद हुआ जिसमें से एक जिंदा गोली लोड थी और उसके गले में लटके बटुए से 3 अन्य जिंदा कारतूस एक सैमसंग मोबाइल भी बरामद हुई है। चंद्रिका मंडल पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस घटना के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत एकचारी थाना कांड संख्या 52/2024 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हाँ, पुलिस को सूचना मिली है कल की रात में, तो हम लोग एकचारी थाना के मोहनपुर गाँव के आसपास लोग डेरा डाले ताकि इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये लोडेड कट्टा लेकर घूम रहा था। किसी से जानकारी मिला था हम लोगों को कि किसी से ऐसी दुश्मनी है, आज मौका उसको तलाश रहा है और घटना को अंजाम दे देगा। तो हम लोग भी पीछे लग गए, उसके लगते हम लोगों को एक जगह जब भी भागना चाह तब तक हम उसको पकड़े तो इसके पास एक लोडेड कट्टा और 3 अन्य मतलब उसके लुंगी में लगा हुआ 3 गोली जो बांध कर रखा हुआ था पाया गया। अपराधिक इतिहास है। एक कुख्यात अपराधी है चंद्रिका मंडल, पिता गरीब मंडल, ग्राम छोटी मोहनपुर, थाना एकचारी, जिला भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर में बीती रात एक अफवाह ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया। शरारती तत्वों द्वारा एक धार्मिक स्थल पर झंडा लहराने की झूठी अफवाह
फैलाई गई जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं इस अफवाह के कारण काली प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही मूर्तियों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। वहीं माहौल को शांत करने के लिए रैपिड एक्शन बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद सुबह में नाथनगर क्षेत्र की 21 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। DSP राकेश कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वीडियो वायरल हो रहा था नक्सली मस्जिद पर झंडा पाने को लेकर और इसके लिए व्यक्त कर रहे थे, लेकिन लोग समझाएं पे समझ के आश्वासन दिया गया कि मुझे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रतिमा दो घंटा तक बाधित रहा विसर्जन को लेकर? कोई बाधित नहीं रही, प्रतिमा जैसे चलता रहा चलता रहा और निर्धारित उस से अभी प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है। अभी माहौल किस तरह? बहुत ही शांतिपूर्वक है, बहुत ही